मित्रों, दो विषयों पे पार्टी की ओर से मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, बाकी अन्य विषयों पे आपके प्रश्न हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से केंद्र और राज्यों के बीच में एक बहस चली है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के विषय को लेकर। राज्यों का यह मानना है कि राज्यों के अधिकारों का इससे उल्लंघन हो रहा है। सरकार ने जो घोषणा की वो बिना किसी राज्य से सलाह मशवरा किए हुए की है, और सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया जो आई थी गृह सचिव से वो ये थी कि किसी राज्य से चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग कई संदर्भों में पहले से कहते आए हैं कि ये सरकार शासन कला भूल चुकी है। स्टेट क्राफ्ट हैज बिकम एलियन टू दिस गवर्नमेंट। दो अलग अलग विषय हैं जिनमें आपस में कोई अंतर विरोध नहीं होना चाहिए था। पहला विषय है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से कई कदम हैं जो सरकार को उठाने चाहिए। दूसरा विषय है कि इस देश के संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना। पिछले कुछ दिनों में सरकार के समर्थक ये कह रहे हैं कि संसद में भी कहा गया कि इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह है, डाउट है कि क्या हमारा संविधान सचमुच में संघीय है। जो शब्दावली प्रयोग की जा रही है, देयर इज नो फेडरल सिस्टम इन इंडिया, वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और अगर सरकार की नीयत यह है कि ये देश में संघीय ढांचा होना चाहिए या नहीं, इस पे ही प्रश्न चिन्ह उठाना है, तो राज्यों का जो विरोध है वो अपने आप में सही है। जब केंद्र ने लोकायुक्त नियुक्ति का अधिकार केंद्रीय कानून में लेने का प्रयास किया था तो संसद में जो तर्क रखा था सरकारी दल के लोगों ने वो लगभग इस प्रकार का था। एनसीटीसी के संबंध में भी ये कहा गया है। याद रहे कि केवल ये संविधान और इस देश का शासन फेडरलिज्म के आधार पर चलता इतना ही नहीं है, फेडरलिज्म को संविधान के बुनियादी ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का एक अंग माना गया है। संसद भी चाहे तो उसको संशोधित नहीं कर सकती, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, इस पे संशोधन भी संभव नहीं है। इस संघीय ढांचे के तहत पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पावर्स राज्यों की सूची के अधिकार हैं। पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस पावर्स आर अ पार्ट ऑफ द स्टेट फंक्शंस। उनके संबंध में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अधिकार हैं वो राज्यों के हैं। आतंकवाद के संबंध में केंद्र और राज्यों दोनों की जिम्मेवारी है, क्योंकि कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस
राज्यों का एक अंग है तो उन अधिकारों का प्रयोग राज्यों में होगा, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंटरस्टेट टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर एंड नेशनल इंटेलिजेंस, ये सारे विषय ऐसे हैं केवल एक राज्य नहीं देख सकता, तो केंद्र की भी उसमें जिम्मेवारी है। केंद्र अपनी परिस्थिति और अपनी सिचुएशन, अपना स्टांस बदलता रहता है। माओवाद के संबंध में जब कांग्रेस पार्टी के भीतर विवाद हुआ कि केंद्र को कितना कड़ा रुख लेना चाहिए, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी स्थिति परिवर्तित कर ली थी कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य माओइज्म से लड़ें, हम केंद्रीय सुरक्षा दल भेज के उनकी मदद कर सकते हैं। ही वॉन्टेड टू एबडिकेट हिज फंक्शंस। आज अगर आप कोई इंटेलिजेंस की ग्रिड बनाते हैं या राज्यों में और देश भर में कैपेसिटी बिल्डिंग हो आतंक से लड़ने के लिए और केंद्र सहायता करता है, तो इस पे बहुत लोगों को विवाद नहीं होगा। लेकिन आप एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के माध्यम से और उस नोटिफिकेशन में ये लिखते हैं कि टेररिज्म रिलेटेड विषय जो होंगे वो अब एनसीटीसी देखेगी। मैं जो 3 फरवरी को 2012 को नोटिफिकेशन आया उसके 2 पंक्तियां आपके तरफ ध्यान दिलाता हूं। वेर एज अ नीड हैज बीन फेल्ट टू हैव अ सिंगल एंड इफेक्टिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल काउंटर टेररिज्म। सिंगल एंड इफेक्टिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी केवल केंद्र करेगा, राज्यों की उसमें भूमिका नहीं है। और उसके साथ साथ कहना, दी Officers and Operation Division of NCTC shall have the power to arrest and the power to search under Section 43A of the Unlawful Activities Act. केंद्र राज्यों की सहायता करे, इंटेलिजेंस दे, लेकिन उनके पुलिस पावर्स का विकल्प बन जाए, ये कभी कल्पना संविधान में इसकी कल्पना नहीं है। द सेंटर कैनॉट सब्स्टिट्यूट द पुलिस पावर्स ऑफ द स्टेट। इट कैन एड एंड असिस्ट। और फिर यह कहना कि सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल सिर्फ केंद्र के पास रहेगा, तो आप एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से पूरी संविधान की स्कीम को बदलने का प्रयास कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़नी चाहिए, राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका है। इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद से लड़ने में बहुत कमजोर रहा है। केंद्र का जो कानून था पोटा, उसको इन्होंने रिपील कर दिया। जो राज्य ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कानून की अनुमति मांग रहे हैं, केंद्र उस अनुमति को नहीं दे रहा। जिनको आतंकवादी घटनाओं के लिए सजा हुई है, उस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने में भी ये घबराते हैं।
The track record in fighting terrorism of the central government of the UPA is a suspect. और ये कहना कि सारा अधिकार अब हमारा और राज्यों के पुलिस पावर्स हमने ले लिए और राज्यों से हम कंसल्टेशन भी नहीं करेंगे इस विषय में, ये ठीक रवैया नहीं है केंद्र का। अगर मैं एक वाक्य में कहूं, द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म मस्ट को एग्जिस्ट विद फेडरलिज्म। देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू। To maintain the balance between the two, you require both statecraft and statesmanship. और राज्यों के जो मुख्यमंत्री इस पे अपनी reservations रख रहे हैं, हम उनकी उन reservations के साथ पूर्ण रूप से सहमत हैं। उनमें से कोई नहीं कह रहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई कमजोर कीजिए, लेकिन राज्यों के अधिकारों को कुचल के नहीं। इस सरकार का फेडरलिज्म पे ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कमजोर रहा है, इसलिए मुख्यमंत्रियों की जो शंका है उसमें तथ्य है। दूसरा विषय नहीं, इसका संचालन तो हमें करने दीजिए। अब आज मीडिया में के एक सेक्शन में समाचार छपा है कि किसी जीओएम के सामने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जाए देख रहा था, एक नोट सर्कुलेट हुआ है। उस नोट को के अंश को कोट भी किया गया है कि किसी प्रकार से कानून बना लिया जाए और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट उस कानून में आ जाए और उसको इंप्लीमेंट करना, कार्यान्वित करना, उसका अधिकार चुनाव आयोग से हटाकर न्यायालय के सामने दे दिया जाए। इसके पीछे मंशा क्या है? चुनाव आयोग का जो गठन होता है वो संविधान की एक प्रावधान है, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324, कॉम्पोजिशन, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन उस अधिकार में आते हैं। यह कहना अपने आप में गलत है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट बाइंडिंग नहीं है। वो नॉन स्टैट्यूटरी है, लेकिन उसको बनाना चुनाव आयोग के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के तहत है। इट इज नॉन स्टैट्यूटरी बट इट्स बीन फॉर्मुलेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जैसा मैंने अभी फेडरलिज्म के बारे में कहा, जो इमरजेंसी में इंदिरा जी और राजनारायण जी का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए चुनाव आयोग के अधिकार बढ़े और एक लचीलापन मिले, फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो इस देश का कानून यह कहता है जहां पार्लियामेंट्री लॉ है वो प्रिवेल करेगा और जो परिस्थितियां हैं जिनको पार्लियामेंट्री लॉ या कोई दूसरा लेजिस्लेशन गवर्न नहीं करता, वहां एग्जीक्यूटिव ज्यूरिसडिक्शन चुनाव आयोग की प्रिवेल करेगी। सो व्हाट एवर स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय लॉ, द लॉ विल प्रिवेल। व्हाट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय लॉ, द एग्जीक्यूटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन विल प्रिवेल। और उस एग्जीक्यूटिव ज्यूरिसडिक्शन के तहत
मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना है। जो अधिकारी चुनाव करवाते हैं, जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जो उम्मीदवार लड़ते हैं, जो नेता उसमें अभियान करते हैं, में हिस्सा लेते हैं, उनको डिसिप्लिन करने में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का एक एग्जेम्पलरी रोल रहा है। और इसलिए चुनाव से, नॉमिनेशन से कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले से यह लागू हो जाता है। अब कांग्रेस पार्टी की परेशानी यह है कि उसके सभी नेता बड़े छोटे बार बार मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। इट्स अ पार्टी ऑफ सीरियल ऑफेंडर्स ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। इट्स लीडर्स हैव एब्सोल्युटली नो कंसर्न फॉर इट। और इसलिए उनकी जो रिजर्वेशन है, उनकी जो घृणा है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के प्रति, वो समझ आने वाली है। ये एक षड्यंत्र है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को लेजिस्लेशन के रूप में डाल दो। केवल लेजिस्लेशन के रूप में डालना है तो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन उसके नियंत्रण का काम न्यायपालिका को दे दो। अब इस देश का चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है, न्यायपालिका नहीं कराती। न्यायपालिका राजनीतिक गतिविधि में नहीं उलझती। कोई कानून तोड़ता है तो मुकदमा चल सकता है न्यायपालिका के सामने, लेकिन हम कानून बार बार तोड़ते रहे, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तोड़ते रहे और कोर्ट का फैसला 10 साल लगेंगे। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इनइफेक्टिव कर दो और चुनाव आयोग को टूथलेस कर दो। ये जो परंपराएं हैं जिनके आधार पर चुनाव होते हैं, ये एक लंबी गति के बाद बनती हैं। दीज कन्वेंशंस, प्रेसिडेंट्स आर फ्रेम्ड आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने तय कर लिया है कि हम मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करेंगे और उनको कोई अनुशासित करे या उनको स्वीकृत नहीं है, इसलिए मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को ही पंक्चर कर दिया जाए, उसको रेगुलेट करने का अधिकार चुनाव आयोग से हटा दिया जाए और यह कहा जाए कि अब कानून के माध्यम से यह ऑक्यूपाइड स्पेस में आ गया, आपका आर्टिकल 324 का अधिकार नहीं रहा। यह इनका उद्देश्य है। मुझे नहीं लगता कभी ये इस प्रकार का लेजिस्लेशन पास कर पाएंगे, और कभी प्रयास भी करते हैं तो संस्थाओं को पे प्रहार करना, इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन करना, जो कांग्रेस पार्टी का स्वभाव बन गया है, ये उसका एक अंग है। चुनाव आयोग के अधिकार कमजोर किए जाएं, हम किसी प्रकार से इसको स्वीकार नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। धन्यवाद।